मैं ना नमस्कार बोलूँगा और ना सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए बात कहूँगा। आज मैं अपने दिल की बात कहूँगा। आप ये लेटर देख रहे हैं ना, 10/9/2024 यानी इसी माह आपका वेतन जो नहीं मिल रहा है, जो वेतन मान ग्रहण लगा करके 62,000 के जो अगुवाई बनते हैं, इनका आप साइन में देखिए, नीचे में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ये बहुत हितकारी बनते हैं, ये आज भी 65 से 68 का नारा देते हैं। जैसे ये पूरे परा टीचर सहायक अध्यापक के कल्याणकारी हैं, सारा बोझ उठा बैठे हैं। ब्रह्मांड में सबसे सच्चे और क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र के को हरिश्चंद्र को पूर्वज मानते हैं, बहुत सत्य बोलते हैं, ये बहुत कल्याणकारी बातें करते हैं। आज हम देखते हैं इनके बारे में कि उन्होंने क्या लिखा है। आपने पढ़ भी रखा होगा, आप देख सकते हैं झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई झारखंड रांची, कितना सुंदर से इन्होंने पैड बनाया है। शहीद मुनेश्वर सिंह के नाम को भी उन्होंने गंदा कर रखा है, साथी कैलाश कंचन अमर रहे ये कहकर भी इन्होंने गंदा कर रखा है। इनको तो अपने पैड से इन नामों को हटा देना चाहिए। मैं पहले इस लेटर को पढ़ लूँ, फिर कुछ बातें आपसे बोलूँगा, दिल की बातें करूँगा। इस तरह की पेज लगाकर उन्होंने हमारे मानदेय को भी बाधित किया है। और समय समय पर जब डिमांड, जब नियमता पूरा होने की बात आई, तब भी उन्होंने उस बात को काटा है। ये पत्रांक के बकायदे 45/2024 सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार, विषय लिखते हैं झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने चले। ये अभिनंदन, अब किस बात का अभिनंदन? महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि झारखंड के सहायक अध्यापक को वर्तमान सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अपने उज्ज्वल वर्तमान एवं भविष्य के लिए काफ़ी आशा एवं उम्मीद है। ये तो बात ठीक है कि सारे संघ जो आज बिखर गए उनका जन्मदाता यही हैं और यही मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। वर्तमान में सहायक अध्यापकों को सामान्य भविष्य निधि योजना से जोड़ते हुए यथासंभव आर्थिक लाभ प्रदान की गई है। देखिए क्या कहना किया गया, पता आता पता नहीं है ईपीएफ, इसमें से बहुत लोग को पता ही नहीं कि ईपीएफ क्या है। और ईपीएफ की बात करते हैं, समान भविष्य निधि की बात करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे भी सुनने को मिला था व्हाट्सएप पर कि इनको पता ही नहीं कि ईपीएफ से लाभ किसे मिलेगा। पुनर्बैठन चाहिए इनको कि क्या करके आते हैं, क्या नहीं करते हैं। और ये 62,000 सहायक अध्यापकों का नेतृत्व समूह अपने आप को बोलते हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती है। इनको डर है, इनको भय है कि जो हमने वादा करके आया है, जो लेकर आया है, जो बंद कमरे में बातें की हैं, देखिए बंद कमरे के अंदर श्रीमान घोषाल जी बात किए थे, है ना, उन्होंने उनको लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जो बातें वहाँ पर हुई, हमारे श्रीमान घोषाल जी थे, आपके उपाध्याय जी थे, मीना कुमारी थी और महेश दा थे, सब तमाम तरह की बातें थी। हमको पता है कि ये पूरे पारा टीचर के सहायक अध्यापक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो लाइव टेलीकास्ट होकर के बाहर आया है, वही बातें समूह में कही गई हैं। लेकिन इनके जो मीटिंग होते हैं बंद कमरे में होते हैं, केवल फ़ोटो आता है, खड़े होते हैं, मुस्कुराते हैं, दांत नहीं फोड़ते हैं और फ़ोटो आता इनका है, और बाहर में आकर के पता नहीं क्या समझा जाते हैं, अंदर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है। मैं बताऊं कि 2008 में इनको एग्ज़ाम देने की बात कही गई थी, यही जो साइन किए इन्होंने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे एग्ज़ाम नहीं देंगे, मर गए मिट गए, मिटने गए, ये कई परिवार के हत्यारे निकले। मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूँ, ये कई परिवार के हत्यारे निकले। फिर बंधु तिर्के ने कहा था कि जो टेट पास कर रहे हैं, कर चुके हैं, है ना, बंधु तिर्के नहीं सॉरी ये जगन्नाथ महतो, जो टेट पास कर चुके हैं उनको मैं वेतन मान दे रहा हूँ, जो अगला पास करें उनको भी दूंगा। उसमें से एक व्यक्ति कहने वाला कि नहीं सबको मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी मिले हैं जो हम इतने हज़ार हैं हम ये करेंगे। अरे कौरव पांडव को कहानी सुना आपने, कौरव पांडव पांच थे, पांच के नेतृत्वकर्ता में थे और 100 के नेतृत्वकर्ता में कौरव थे, कौन जीता? नियम संगत होता है ना, अब चिराने से नहीं होगा, चिराने की वजह से आज पारा सहायक अध्यापक का ये हाल है, कोई संगठन में टूट गए। अगर ये संघर्ष मोर्चा टेट को आय करके वरीयता के आधार पर डिमांड करता, नियम बनवा लेता, तो क्या होता?
सरकार में सरकार कोई दोषी नहीं है, सब दोष इनका है। इन्होंने हमारी आपकी सबकी लाइफ बर्बाद कर दी है। ये जो हस्ताक्षर करता है इनको मैं कह रहा हूँ सीधे मैं कह रहा हूँ, अब इन्हीं की वजह से वेतन मान भी रुका हुआ है, इन्हीं की वजह से मानदेय भी रुका इस महीने का। फिर रघुवर सरकार के कार्यकाल में भी कहा गया था कि जो टेट पास उनको मिलना चाहिए, वो नियम बना रहे थे ना, आप में कुपत नहीं था टेट पास करने का, आपने कुपत ने एग्जाम देने का, एग्जाम दिए आप, आकलन दिए 10% के लिए, माफ़ कीजिएगा, भगवान करे कि आपको सारी गवर्नमेंट का इच्छा का अनुसार है, आपको मान्यता मिल जाए, टेट समतुल्य आपको मिल जाए, मानदेय मिल जाए, वेतन मान मिल जाए, जो चाहे सो आपको मिल जाए। लेकिन गुमराह किया सरकार, कतई नहीं, कहीं नहीं दोषी है, कहीं नहीं दोषी है। दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ ये जितने हस्ताक्षर करता है वो है? जो अच्छे ईमानदार नेतृत्व करता होते हैं ना, वो गलती करने पर वो कहीं ना कहीं इस्तीफा के बात करते हैं, उस संगठन से दूर होने की बात करते हैं, पाक राजनीति करने की बात करते हैं। लेकिन कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन महानुभावों को हमने देखा नहीं, सुना नहीं कि हाँ इस तरह की बातों के नहीं होना चाहिए था, चलिए हम सामूहिक रूप से फिर एक होकर डिमांड करते हैं। नहीं, हमको सबको चाहिए। अरे भाई सबको मिलेगा, एक नियम बनाओ। टेट आज एक नेसेसिटी हो गई है, ज़रूरी हो गई है, अकल भी ज़रूरी हो गया है, तो साफ होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सब नहीं करने दिया। आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने आपसे कहा सरकार दे रही थी, गलती इन सबों की है, हम सबों की है, इनके कारण कई संगठन बना। अगर टेट को आए रखते, आकलन को रखते, फिर परिस्थिति रखते, आप अनपरिस्थिति को रखते तो नहीं होता, होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सबको मिलना चाहिए। इसी में से महानुभाव ऐसा सुनने को मिला था, कह रहे थे कि अगर मैं टेट पास होता तो मैं वेतन मान दिवाया था। मैं ये प्रमाणित नहीं कर सकता, मैंने सुना है किससे, मैंने उनके मुँह से सुना है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो भरे हुए हैं और सिनातान कर ठोके चलते हैं। इसमें एक नाम लेने मुझे परहेज नहीं है, संजय दुबे हैं, जो टेट पास है। अभी जो 28 को वार्ता हुई उसमें उन्होंने एक लफ्ज नहीं, टेट का टी नहीं बोला। कैसे नेता हो तुम, क्या उसमें आप में एनर्जी है, क्यों आप चुप थे, क्यों नहीं बोले? चलिए, हमने हमारे जो दिल में था हमने कहा, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को बुरा लगेगा तो भी मुझे कोई गम नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जायज़ बात कहा है, सही बात कहा है। मैंने किसी पर टिप्पणी अभद्र रूप से नहीं करना चाहता हूँ, ना करूँगा और ना करना करने को इच्छा है। लेकिन सरकार दे रही थी, आप केवल राजनीति से के और कई घरों को आपने बर्बाद कर दिया, प्रार्थियों को बर्बाद नहीं किया, कई घरों को बर्बाद कर दिया। अब इसका आह जो है ना आप पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, जो किए सो किए, लेकिन इस लेटर से मालूम पड़ता है कि आपको ये जो है आपने सुना है सिया चलावे डीजल गाड़ी, ये फिर डांस करेंगे, ये डांस करने में आगे है। बहुत सारे गाने हैं, इस पर तिरका जा सकता है, खुशी जाहिर की जा सकती है, लेकिन इन्होंने मौका पाया, वो जो 4% की बहुत ही हुई थी ना, उसमें सिया चलावे डीजल गाड़ी, वाह, ये शिक्षक का पहचान है, सिया चलावे डीजल गाड़ी। चलिए, आपको अगर हमारी बातें कहीं चुभी होंगी, अच्छी नहीं लगी होंगी तो माफ़ कीजिएगा। मैं एक समान रूप से सभी को कहता हूँ, एक नियम बन गया होता ना तो आज सभी आगे होते। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सरकार दे थी लेकिन आपको लेने नहीं आया। और आप जो अब ये हस्ताक्षर करता है ना, ये सोचते हैं कि हम बस इस संगठन के हम सही चलेगा, अगर ये नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, ये कल को कुछ हो गया इनको तो संगठन ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। इन्हीं का देन है, कई कई फटार में बट गया संगठन, इन्हीं का देन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।